रिशिता भाभी सच कह रही थी, चीकू का कस्टोडियन तुम्हें ना बनाकर धरा भाभी को बना दिया, इसलिए तुम उनसे गुस्सा। तुम्हें लग रहा है कि तुमसे तुम्हारा हक छीन लिया धरा भाभी। लग नहीं रहा है कृष, उन्होंने मेरा हक छीना है। अरे पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी उन्होंने मेरे मॉम डैड को कि चीकू की कस्टडी उनको थमा दी। ये तुम्हें आइडिया भी है तुम्हारी धरा भाभी को मेरे डैड ने कितना अमीर बना दिया है? तुम्हें पता उस ट्रस्ट की कितनी वैल्यू है, कितने जीरो आते हैं उसमें? तुम्हारी उस धरा भाभी की वजह से ना आज मैं पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गई हूँ। दम घुटता है मेरा इस घर में क्रेश, दम घुटता है। सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। तुम्हारे माँ बाप ने शर्त रखी थी ना कि तुम मेरे साथ शादी करोगी तभी तुम चीकू की कस्टोडियन बनोगी। वरना पागल कुत्ते ने काटा है मुझे जो तुमसे शादी करती मैं। ओ, तो तुम्हारे लिए शादी शादी नहीं थी, एक आजादी का टिकट था, है ना? तुमने सोचा कि जैसे ही शादी होगी शादी के बाद तुम्हें कस्टोडियन बना देंगे, पर कस्टोडियन बनने के बाद तुम्हें तो पेपर मिल जाएंगे और पेपर मिलने के बाद तुम यहां से निकल जाओगी, है ना? यही सोच रही थी तुम। फिर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, श्वेता, कस्टोडियन बनने के लिए तो बच्चे का पास होना जरूरी है ना, तो फिर तुमने चीकू की टिकट क्यों करवाई? क्योंकि नहीं चाहिए था मुझे चीकू। जैसे तुमसे शादी करना नहीं चाहती थी ना, वैसे चीकू के साथ भी नहीं जाना चाहती थी मैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी आजादी चाहिए थी और अपना पैसा और कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें देखते ही पागल हो गया था इसलिए चला गया तुम्हारे माँ बाप के पास तुम्हारा हाथ मांगने? मतलब ये है श्वेता, चीकू के जाने के बाद मैं धरा भाभी को दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने तुमसे शादी की ताकि चीकू को हमेशा के लिए धरा भाभी की गोद में डाल सकूं। मुझे भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं था तुम्हारे साथ शादी करने में, तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूं श्वेता, नफरत करता हूं तुमसे, नफरत। अरे पैसों की भूख तुम्हें इतनी बढ़ गई कि अब एक छोटे से बच्चे को छोड़ने के लिए रेडी हो गई? हाँ छोड़ दिया, क्योंकि मैं ना पैसों के लिए मोहताज नहीं होना चाहती हूं। और खुद की औकात देखो क्या है इस घर में, जब तुम्हें पैसे चाहिए तो क्या करते हो, धरा भाभी 10 रुपए देना, धरा भाभी 100 रुपए देना। ये सब कुछ, और अगर कल को मुझे तुमसे पैसे चाहिए होंगे तो तुम क्या करोगे? धरा भाभी के पास जाओगे, मांगोगे मेरे लिए पैसे और उनके सौ सवाल, उसका क्या क्रेश? सच तो ये है कि इस घर में तुम्हारी यही औकात है। मेरी औकात के बारे में भूलने से पहले अपनी औकात चेक कर लेना श्वेता। और तुमसे किसने कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं इसलिए मैं धरा भाभी से पैसे मांगता हूँ? तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि पंडे स्टोर में जो भी कमाई होती है हम चारों भाइयों में बढ़ती है,
पर मैं अपने हिस्से के पैसे अपनी धरा भाभी को देता हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है उनपे, तो मुझे मांगना अच्छा लगता है उनसे। पर तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है श्वेता? हम भाइयों के पास पैसे नहीं थे इसलिए हमने कभी ऐश नहीं की, पर तुम्हारे पास तो पैसे थे ना, फिर क्यों फैलाए तुमने अपने हाथ अपने माँ बाप के आगे? क्यों? औकात के मामले में तुम और मैं बराबर है श्वेता, बस फर्क इतना सा है कि औकात में मैं ना तुमसे थोड़ा सा बेटर हूं, क्योंकि मेहनत के कमाए हुए पैसों की कीमत मुझे पता है। पैसों की कीमत क्या होती है ना, वो मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। तुम्हें ज्यादा प्राउड फील करने की जरूरत नहीं है क्रिश। हाँ मैंने मांगे अपने पेरेंट्स से पैसे, फैलाए उनके आगे हाथ, तो करती क्या? और आगे से नहीं फैलाना चाहती इसीलिए चीकू की कस्टडी चाहती थी, अपनी आजादी और पैसा दोनों चाहती हूँ। इसके बिना लाइफ क्या होती है ना, तुम क्या जानो? मुझे नहीं जानना, नहीं जानना मुझे। मेरे लिए इतना पता होना काफी है कि तुम एक पत्थर दिल माँ हो। अरे ऋषिता भाभी बड़े घर से हैं श्वेता, पर उन्होंने भी खुद को घर के हालातों में डाला। एक टाइम था कि वो छुटकी को भाभी को देने को तैयार नहीं थी, और तुम पैसों के लिए चीकू को छोड़ने चली थी। पैसों के आगे तुमने कभी रिश्तों की कीमत नहीं समझी श्वेता, तुमने कभी रिश्तों की कीमत नहीं समझी। पहले हवेली वाली लड़की, फिर कीर्ति, फिर ये श्वेता, घर वालों को कुछ बता भी नहीं सकता, वो तो मुझे ही नालायक समझेंगे। बंद करो, बंद करो अपना ये गाना गाना। और पैसे देख के किसकी नियत खराब नहीं हो जाती? तुम्हारी धरा भाभी कौन सी बड़ी चीज है? देखना चीकू के पैसे उनके अकाउंट में आने लग जाएंगे ना, तब तुम उनकी नियत देखना। बस तुम्हारा छोटा दिमाग ना श्वेता, बस इतना ही चल सकता है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, चीकू की परवरिश के लिए तुम्हारे परिवार का एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, सारे का सारा खर्च धरा भाभी और गोम्बी उठाएंगे। और रही चीकू के पैसों की बात, वो सारे के सारे पैसे इन्वेस्ट होंगे, जिसकी जानकारी तुम्हें टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तुम्हारा पंडिया परिवार बहुत मान है यहाँ के लोग, तो मुझ जैसी गिरी भी लड़की यहाँ क्या कर रही है? मुझे तो चले जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, मैं कहीं भी नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारा ये जो पंडिया परिवार है ना, इस शादी से इतना खुश है कि हाथ पे आसमान में उड़ रहा है। हाँ वो खुश है, वो खुश है क्योंकि उनको लगता है कि मैंने अपने लाइफ का सही फैसला लिया है। और उनको कैसे बता दो कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक में से एक मिस्टेक है। देख श्वेता, अब मैं अपने परिवार वालों को और दुख नहीं दे सकता, तो बेटर रहेगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और अगर मैं अपना मुंह बंद ना रखूं तो तुम्हारा ही घाटा है। बता दो सच, जाओ अभी जाओ, सबको सच बता दो, रिश्ता तोड़ दो, फिर खाली हाथ इस घर से बाहर निकल जाओ। जाओ, वेट किस चीज का कर रहे हो? जाओ, रुक क्यों गए? जाओ ना। चलो मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, तुम यहाँ रहो, अपने माँ बाप को मनाने की कोशिश करो, जब तुम्हें कस्टडी मिल जाएगी, पेपर लो, अपने पैसे लो, अपनी आजादी लो, और यहाँ से रफा दफा हो जाओ। पर एक शर्त है, तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी चीकू, उसको यहीं छोड़ के जाना, फिर तुम भी खुश, मैं भी खुश, और धरा भाभी भी खुश, और अपना चीकू तो खुश है ही। तो देख लेना जो तुम्हें सही लगे। और सुनो, ये रिश्ता इस कमरे के बाहर ही है, इस कमरे में हम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। गुड नाइट।
गधी हूं मैं, गधी है तू श्वेता, कितनी बड़ी गधी है तू, इस गधे को तो अपनी बातों में बहला फुसला के रखना था, लेकिन नहीं, कुछ समय आके मैंने इसे सब कुछ बता दिया, अगर इसने घर में किसी को भी मेरी सच्चाई बता दी तो फिर क्या होगा, मेरा मुश्किल हो जाएगा यार रहना, मुश्किल हो जाएगा मेरा यार रहना। मुझे कुछ भी करके एक अच्छी बहू और एक अच्छी बीवी बनने का नाटक मुझे करना ही होगा, ताकि इस पंडिया परिवार की सुख और शांति को जड़ से खत्म कर दूं।